बेशक दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ किस धर्म को अहमियत दी जाती है तो शायद आपका जवाब इस्लाम हो, जिसका सबसे बड़ा सबूत मक्का और मदीना है। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी नज़रिया बदल जाए, क्योंकि वहाँ जो मंदिर बनाया गया है उसकी खूबसूरती देखकर आप भी मोहित होने वाले हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इस्लामिक कंट्री में 10 से भी ज़्यादा देवी देवताओं का मंदिर स्थापित किया गया हो। अब दुबई में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में भी इतना बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और 5 अक्टूबर को ही इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये हिंदू मंदिर दुबई के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में स्थित है, जिसमें 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में 550 करोड़ रुपए का खर्च आया है। लेकिन दोस्तों, अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि एक मुस्लिम देश में जहां सिर्फ मुस्लिमों का ही राज है, आखिर वहां हिंदू का मंदिर कैसे बनाया गया है। भले ही वहाँ हिंदू मंदिर बना दिया गया हो, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये मंदिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात पर दुबई के सरकार पर काफी ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को भी काफी ज्यादा सम्मान दिया है। वैसे आप में से कितने लोग यहाँ जाना चाहते हैं, कॉमेंट भी लो।